जब किस्मत ने ही हमारा नाम तुम्हारी हथेली पर लिख दिया है तो उसे रहने दो ना। हमारा नाम अच्छा लग रहा है तुम्हारे हाथ पर। हम तुमसे प्यार करते हैं केसर। हे अंबे मां, क्या कबीर ने केसर से अपनी दिल की बात की होगी? मैं सिर्फ सूरज की हूं और हमेशा रहूंगी। आई लव सूरज। कबीर, क्या हुआ? तूने बोली अपने दिल की बात केसर से? केसर और सूरज के रिश्ते की शुरुआत भले ही आपके सपने से हुई हो काकी, पर केसर अब समर्पण के नहीं, प्यार के रिश्ते में बन चुकी है। वो सूरज से बहुत प्यार करती है। मेरे सपने की वजह से आज तीन तीन जिंदगियां बर्बाद हो रही है। ऐसा आपको और हमें लगता है काकी, पर सच ये है कि केसर सूरज के बारे में सब कुछ जानती है। उसे सूरज पर पूरा भरोसा है कि सूरज सच में बदल गया है और उससे प्यार करता है। शायद अब हम दोनों को भी यह मान लेना चाहिए कि केसर के प्यार ने सूरज को सच में बदल दिया। अब हमें मां से केवल हम एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि केसर के विश्वास की जीत हो और हम दोनों की हार। क्योंकि काकी, अब हम ना तो केसर को समझा पाएंगे और ना ही उसे दुखी देख पाएंगे। हे अंबे मां, आपकी मर्जी के सामने हम इंसानों की क्या हैसियत? पर अब आपसे यही उम्मीद करती हूं कि मेरा सूरज सच में बदल गया हो और मेरी केसर की उम्मीद सच साबित हो। और अगर सच में ऐसा हो गया तो फिर मुझे भी आपका यह फैसला स्वीकार कर लेना चाहिए। अंबिका, वो यहाँ क्यों खड़ी है? अले काजल नी डब्बी, सूरज और केसर दोनों को काला टिक्का लगा दे। जी बा। सूरज कहाँ चला गया? सूरज सर, अब आपकी शादी में वो दोनों लड़कियां कोई इशू क्रिएट नहीं कर पाएंगी। बहुत अच्छी तरह समझा दिया है उन्हें, बस थोड़े पैसे और भिजवा दीजिए। लंदन में खर्चा बहुत होता है ना। हे अंबे मां,
ये क्या हो रहा है? जब भी मैं सूरज पर भरोसा करना चाहती हूँ, कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से मेरा शक फिर से जाग उठता है। अब ऐसे में मैं केसर का हाथ सूरज के हाथ में कैसे सौंप दूं? पर रोकूं तो भी कैसे? शायद एक ही तरीका है, मैं ही शादी में मौजूद ना रहूं तो। फोन चेक करके मेरी प्राइवेसी में दखल दे रही हैं। बैड मैनर्स मां। चुप कर सूरज, उन दो लड़कों को लंदन क्यों भेजा है तूने? कौन कौन दो लड़के मां? लंदन में तूने ऐसा क्या किया था जो तू हमसे छुपाना चाहता है? ये क्या बोल रही हैं आप? तूने किसी लड़की के साथ कुछ गलत किया है क्या? कौन लड़की? आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो तुझे लंदन से फोन क्यों आ रहे हैं? और फोन करने वाला ऐसा क्यों कह रहा है कि वो दो लड़कियां तेरी शादी में कोई इश्यू नहीं क्रिएट करेगी? उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया है। ये गलती कैसे हो गई मुझसे? फोन छोड़कर कैसे चला गया मैं? तूने केसर से कितने झूठ बोले है सूरज? सच सच बता, उसे धोखा क्यों दे रहा है? क्यों तुला है उसकी जिंदगी खराब करने पर? केसर केसर केसर, आपको तो सिर्फ केसर की चिंता है माँ, मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है आपको। तो जपते रहिए ना उसके नाम की माला। समझ में नहीं आता आप मेरी माँ हैं या दुश्मन। जब इंसान झूठ के सहारे जी रहा होता है ना सूरज, तो वो ऐसे ही इधर उधर की बातें करके उलझाने की कोशिश करता है। केसर की वजह से मुझे लगने लगा था कि शायद तू सच में उसे प्यार करने लगा है, और केसर सही है और मैं गलत हूं। पर सच्चाई तेरे घबराए हुए चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। फॉर गॉड्स सेक मां, आपको तो मुझ पर पहले से ही शक है। मैंने कुछ गलत किया है ये बात आपने अपने दिमाग में इतनी गहराई तक बिठा ली है कि मेरी छोटी सी छोटी बात पर आपको नफरत होने लगी है। केसर गलती कर रही है, पर तू पाप कर रहा है सूरज, और मैं तेरे पाप का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। मैं इस शादी में शामिल नहीं होंगी। किन गधों को भेज दिया मैंने लंदन? घर के बाहर उनको संभालना पड़ता और घर के अंदर मां को। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इससे पहले मां केसर से बात करें, मुझे केसर से बात करनी होगी, फिर मैं देखता हूं मां कैसे नहीं शामिल होती मेरी शादी में। बस यही एक तरीका है बा, वरना सूरज उन दोनों लड़कों का सच कभी नहीं बताएगा। इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं शादी में शामिल नहीं होंगी। जिद की भी एक हद होती है अंबिका बहू, और जिस जिद से परिवार बिखरने लगे उसे पागलपन कहते हैं। सूरज को लेकर तेरी जिद अब पागलपन बनती जा रही है। पर बा मैं क्या करूं? जब भी मैं सूरज पर भरोसा करना चाहती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से। क्या हो जाता है? तुझे कुछ ऐसा पता चला है जिससे ये साबित हो सके कि सूरज गलत है? कोई ठोस सबूत तो नहीं मिला है मुझे अब तक, पर सबूत ना होना गुनाह ना होने की गारंटी तो नहीं होता है ना बा। जब तक शक की हर वजह मिट नहीं जाती, मुझे शांति नहीं मिलेगी। आखिर ये मेरी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है बा। सूरज भी तो तेरा ही बेटा है अंबिका बहू। तेरे प्यार और भरोसे पर केसर के साथ साथ सूरज का भी हक है कि नहीं? बचपन में तेरा प्यार उससे छिन गया था, अब अपने शक की वजह से एक बार फिर सूरज के हिस्से का प्यार मत छिन। बच्चों की गलतियों पर उन्हें सजा देने के बजाय उन्हें नई शुरुआत करने का रास्ता दिखाना
यही तो माँ बाप का फर्ज होता है। अगर सूरज से गलतियां हुई भी हो तो क्या सूरज को अपनी गलतियां सुधारने का मौका नहीं मिलना चाहिए? सूरज को गलती सुधारने का मौका देने के चक्कर में केसर की जिंदगी को दांव पर कैसे लगा दूं बा? सूरज सचमुच केसर, तू केवल केसर की माँ बनकर सोचती है, कभी सूरज के नजरिए से भी तो सोच, हमेशा केसर के हिसाब से सोचेगी तो सूरज के बारे में कौन सोचेगा? उससे फिर से दूर मत कर, थोड़ा स्वार्थी बन अपने बेटे के लिए। हम तुमसे प्यार करते हैं केसर, इस पूरी दुनिया में यदि कोई हमारे लिए बना है केसर तो वो केवल तुम। मैं क्या करूं काना, आज कपीट ने मुझे जो भी कहा है क्या मैं वो सूरज को बताऊं? पर अगर उन्होंने गुस्से में रिएक्ट किया तो कबीर का तो इस घर में आना जाना ही मुश्किल हो जाएगा। तुम बता क्यों नहीं देती? मैं थक गया हूं खुद को एक्सप्लेन कर करके। थक गया हूं मैं। क्या हुआ सूरज, क्या एक्सप्लेन करना है आपको और किसे? क्या मैं इतना बुरा हूं केसर? नहीं सूरज, प्लीज प्लीज उठिए उठिए आइए। किसी ने कुछ कहा आपसे? माँ ने। क्या? जिनका प्यार पाने के लिए मैं पूरी जिंदगी तड़पता रहा, उन्हीं को लगता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं केसर। मैंने कितना इंतजार किया है उनके करीब आने के लिए, फिर तुम्हें समय चाहिए था तो तुम्हारे करीब आने के लिए, और अब जब फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा है तो मां ने मुझसे कह दिया कि वो हमारी शादी में शामिल नहीं होंगी। क्या? हाँ केसर। पर क्यों? क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है केसर। किसी ने मुझे फोन किया था, माँ ने रिसीव कर लिया, उधर से कॉलर ने कुछ कहा और पता नहीं माँ ने कुछ और ही सुन लिया। अब उन्हें मुझ पर फिर से शक हो गया। केसर, अब क्या मुझे अपनी माँ का प्यार कभी नहीं मिलेगा? क्या सच में माँ हमारी शादी में नहीं आएंगी? नहीं सूरज, मां जरूर आएंगी और वो हम दोनों को आशीर्वाद भी देंगी। आपने देखा ना मां, मेरी सासू मां कह रही है कि अपने बेटे के लिए स्वार्थी बन जाऊं, तो क्या अपनी बेटी का हित भूल जाऊं? ये कैसी उलझन है मां? स्वार्थी बनूंगी तो अपनी बेटी के साथ अन्याय करूंगी, और स्वार्थी नहीं बनी
तो अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या सास बनने के लिए मैं अपने अंदर की माँ को मार दूं? बेटे को गले लगाने के लिए अपनी बेटी को कुर्बान तो नहीं कर सकती ना मैं माँ? क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? मेरी माँ खो गई है। माँ के बिना कैसे रहूंगा मैं? मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ सूरज, माँ रो मत बेटा, रो मत। तेरी माँ कहीं नहीं गई है, यही है। मैं मिलाऊंगी तुझे तेरी माँ से, मैं मिलाऊंगी तुझे तेरी माँ से। बासु, आप मुझसे इतनी नाराज हो गई कि मेरी शादी में भी नहीं आएंगी? आंखों देखी मक्खी निकली नहीं जाती तो अपनी बेटी को कुएं में कूदते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए कैसे देख पाऊं? आप जानती है ना मासु, आप हैं तो मैं हूं। इसलिए तो तुझे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। उसी कोशिश के लिए आपने कबीर को भेजा था ना? मैं आपसे तो वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता। लल्ला, ए लल्ला, दरवाजा खोल ना। कल से कुछ खाया पिया नहीं है। अरे ऐसे तो तबीयत बिगड़ जाएगी ना। ए लल्ला, लल्ला, अरे एगो लड़की के चक्कर में तुम अपने अम्मा बापू खाना पीना दीन दुनिया सबको छोड़ दोगी क्या? अरे दरवाजा खोलो बिटवा, दरवाजा खोलो। खोलो, कुछ देर के लिए मैं अकेला छोड़ दो। जब भूख लगेगी ना तो बाहर आके खा लेंगे। और वैसे भी आप चिंता मत करो, मैं फिर आया हूं। बताइए नमासु, आपने भेजा था ना कबीर को? जब तू जानती है कि मासु हर वो मुमकिन कोशिश करेगी तो कुछ क्यों रही है? आप अपनी मर्जी से मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो एक बार मेरे कहने पर सूरज पर भरोसा करके देखिए ना। फिर अगर कुछ गलत हो भी गया तो आप हैं ना मुझे संभालने के लिए? ये गलती संभाली नहीं जा सकती केसर। ये गलती इतना गहरा घाव देगी कि मरहम लगाते लगाते पूरी उम्र बीत जाएगी, पर फिर भी घाव नहीं भरेगा। ये लड़की हमने लल्ला को दिल का घाव दी है ना, अब देखना कबीर तुम्हारी अम्मा तुम्हारा ये घाव भरेगी। सुनो, दुगो मुस्तंदा चाहिए। हाँ, एक लड़की को उठवाना है, फोटो और पता हम भेज देंगे। काम बहुत होशियारी से होना चाहिए। कैसे कि उस लड़की का उठा हुआ ब्याह करवाना है हमारे लल्ला कबीर के साथ। अगर घाव गहरा हुआ तो आप मरहम नहीं लगाएंगी मासू? मेरा साथ छोड़ देंगी आप? केसर, अपना शरीर छोड़ सकती हूँ, अभिमान कैसे छोड़ दूँ? तू तो मेरा अभिमान है,
तो मासू इसी अभिमान के लिए बस इस बार मेरी चिंता छोड़ दीजिए, सूरज का हाथ थामने में प्लीज मेरा साथ दीजिए। मासू अगर आप हमारी शादी में हमें अपना आशीर्वाद नहीं देंगी तो हमारी शादी की खुशी अधूरी रह जाएगी। आपके अभिमान ने सूरज को अपना मान लिया, आप भी मान लीजिए ना प्लीज।